नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में शनिवार की दोपहर परीक्षा देने आई एक छात्रा कक्षा में ही मूर्छित हो गई। महाविद्यालय स्टाफ द्वारा छात्रा को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय कटनी भिजवाया गया। जानकारी अनुसार रीठी तहसील क्षेत्र के ग्राम लाल पहाड़ी निवासी कोमल पटेल की पुत्री रानी पटेल 18 वर्ष बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार की दोपहर वह महाविद्यालय में परीक्षा देने आई थी। कक्षा में जब पेपर चल रहे थे उसी दौरान उसे चक्कर आने लगा और थोड़ी ही देर बाद वह मूर्छित हो गई। कक्षा में मौजूद स्टाफ द्वारा उसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। बताया गया कि महाविद्यालय में पर्याप्त रूप से पंखे और पानी की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में महाविद्यालय प्राचार्य का कहना है कि पानी और पंखे की माकूल व्यवस्था महाविद्यालय में की गई है। कटनी रिपोर्टर शैलेश पाठक। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा संचालित हो रही है 11 तारीख से। आज साइंस समूह का बीएससी प्रथम वर्ष का पेपर है। एक बच्ची रानी पटेल, डॉटर ऑफ कोमल पटेल, जानकारी के अनुसार वो लाट पहाड़ी गांव की रहने वाली है, परीक्षा देने आई हुई है। और परीक्षा के दौरान बच्ची ने उसे अच्छा ना लगना इन्विजिलेटर्स को जानकारी दी और कुछ समय के पश्चात उसमें हल्के बेहोशी के लक्षण दिखलाई पड़े। बच्ची के पिता से भी संपर्क किया गया। बच्ची के पिता का ऐसा कहना है कि बच्ची को पहले भी मूर्छा आ चुकी है और वर्तमान में 2-4 दिन से उसको बुखार चढ़ रही है। बच्ची को जानकारी दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल में बच्ची को वर्तमान में भर्ती करवाया हुआ है और जानकारी के अनुसार उसके परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। परिजनों का ये आरोप है कि यहाँ पे कॉलेज में ना ही पंखा है ना कूलर है, यहाँ पीने की ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी क्योंकि पेपर के दौरान तो बच्चे उठ नहीं सकते, वैसी व्यवस्थाएँ नहीं थी जिसके चलते उसको ये हुआ और बेहोश हो गई। महाविद्यालय में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ये भी बात है कि महाविद्यालय का जो बोर है वो काफ़ी दिनों से सूख गया है, जिसे माननीय कलेक्टर महोदय, हमारी जो महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्ष है, अध्यक्षा हैं प्रिया चंद्रावत जी, के साथ साथ जो माननीय विधायक महोदय हैं श्री संदीप श्री प्रसाद जी जायसवाल, उनको भी हमने जानकारी प्रदान की है। लेकिन वर्तमान में नगर निगम के सहयोग से महाविद्यालय में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था है। आरोप है कि सीमित जगह होने के बाद भी माखनलाल चतुर्वेदी परीक्षा सेंटर दिया गया है। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो परीक्षा है वो काफ़ी कम क्षमता के साथ में है और वर्तमान में जो महाविद्यालय की बैठक की व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई विसंगति नहीं उत्पन्न हुई है कि हम उस कार्य को नहीं करवा सकते। दोनों ही एग्जाम शासकीय हैं और शासकीय महा संस्थानों में उनको शासकीय कार्य करना होता है। अपना शुभ नाम बताओ। मैं डॉक्टर आरती गुप्ता, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी। कक्ष नंबर कौन सा था भाई साहब? कक्ष नंबर 17 नंबर में जाकर थोड़ा सा शॉर्ट बाहर से बनाया।